लगातार तीसरा मौका है, 2004, 2009, 2014 में तीसरी बार इसी जगह पर आपका इंटरव्यू करो, काफी चीजें बदल चुकी है, कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है? देश बदलती है, दक्षिण मुंबई भी बदलती है, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन एक जो चीज़ है जो नहीं बदला है अभी तक, कि मैंने अतीत में भी ईमानदारी से लोगों का प्रतिनिधित्व किया, कभी भी भाषा या प्रांत इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव कभी नहीं किया, और मैंने सभी को साथ में लेकर काम करने की कोशिश की साउथ मुंबई में, तो इसमें कोई बदलाव और परिवर्तन नहीं आएगा भविष्य में। राज्य और केंद्र में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने की बात कही जा रही है, कितना असर पाते हैं इस बातों का? एंटी इनकम्बेंसी तो होता है, लेकिन लोग कैंडिडेट को भी देखते हैं कि कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट कितना ईमानदार है, उनका क्या नेटवर्क है, कैसे उन्होंने काम किया है। अगर वे कैंडिडेट को ही नहीं जानते, कभी मिले नहीं कैंडिडेट से, कैंडिडेट साउथ मुंबई में नहीं रहते हैं, तो इसके आधार पे भी लोग वोट देते हैं। नहीं जी, दक्षिण मुंबई में कम वोटिंग होती है, पिछली बार भी कम वोटिंग हुई थी। कि दक्षिण मुंबई के मतदाता भारी तादाद में आकर वोट दे रहे हैं। ये थे मिलिंद देवरा, जिनका ये कहना है कि राज्य और केंद्र में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का उनकी चुनाव की सफलता पर कोई असर नहीं होगा। कैमरामैन नयन के साथ सचिन परब, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई।